नमस्कार दोस्तों। ये आज मैं हूँ बाहर श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अमृतसर, और ये जो आपको सामने लाल दीवार नज़र आ रही है ये उसी कॉलेज की बिल्डिंग है। अब आपको सामने बड़ी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है। देखिए, मैं कॉलेज के अंदर गया था परमिशन लेने, पर जैसा आप जानते हो वो लॉन्ग प्रोसेस होता है, और मैं घूमने आता हूँ, मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और मेरा पर्पज़ रहता है, क्योंकि मतलब उन्होंने मुझे कॉलेज दिखा दिया पर यही बोला कि सर बाहर से वीडियो लेने के लिए बहुत लंबी चौड़ी परमिशन चाहिए, आप गेट के बाहर से बना लो। तो उनकी परमिशन के साथ हम गेट के बाहर से बना रहे हैं, और फिर से मेरे साथी धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं, हम चलाते जाएंगे। अभी आपको एक हॉस्पिटल का मेन गेट आएगा, फिर जब तक हम यू नो काइंड ऑफ अमृतसर पहुँचेंगे मैं आपको बाकी बातें इस कॉलेज के बारे में बताऊँगा जो मैं अंदर देख कर आया। एक गेट पहले था, ये दूसरा गेट है जो मेन हॉस्पिटल का गेट है। और मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ ना कि पहली पहचान ये हो जाती है गेट के बाहर कि गेट कितना खुला हुआ है। तो देखिए, गेट ये जो है ओपन है। कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मैं जाता हूँ जहाँ पर एक गेट क्लोज होता है, और मैंने आपको बोला है कि पहला ही जैसे बोलते हैं ना वाटर टेस्ट, यही है कि जिस अस्पताल का मेन गेट अगर बंद है तो उस अस्पताल में पेशेंट कैसे आएगा। मतलब जब अगर हर एक पेशेंट के लिए आपको गेट खोलना पड़ेगा तो कैसे काम चलेगा, राइट? तो इस खुले हुए गेट ने ये साबित करा कि यहाँ बहुत पेशेंट्स हैं। और जब मैं अंदर था तो बारी बारी बताता हूँ, श्री गुरु रामदास इंडिया के दो सिख मेनल्टी कॉलेज में से एक है। एक जैसा हम जानते हैं माता गुजरी देवी है जो अपना बिहार में है, लेकिन पंजाब क्लोज स्टेट है, तो यहाँ पर आपके पास 150 में से 75 सीटें हैं सिख मेनल्टी की। उन 75 में से भी कुछ NRI सीटें हैं जो सिख मेनल्टी NRI हो गए, लेकिन 64 सीटें हैं जो पंजाब के डोमिसाइल के बच्चों के लिए आ जाती हैं। यहाँ पर कोई स्टेट कोटा की फ़ीस नहीं होती, तो पूरे 150 बच्चों को 12 लाख पर ईयर फीस देनी पड़ती है, जो मिला मुलूक है विद इंक्रीमेंट एंड ऑल दैट। हम जानते हैं कुछ 75 लाख के करीब का पैकेज पड़ता है इस कॉलेज में पढ़ने का। जो आप ये रोड देख रहे हैं इससे आपको ये थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हम अमृतसर शहर से कितना दूर है। तो ये आखिरी के 3 किलोमीटर थे जब हम दिल्ली से अमृतसर की तरफ आ रहे हैं, जलंधर से अमृतसर की तरफ आ रहे हैं, तो अमृतसर शहर का एक बाईपास बोलते हैं जो अमृतसर शहर से 4 किलोमीटर पहले आता है। अमृतसर शहर अगर आपको नहीं जाना और सीधा आपको वाघा बॉर्डर पहुंचना है या अटारी बॉर्डर जिसे हम कहते हैं, तो उससे कट था ये 3 किलोमीटर अंदर का। पर ये भी बसा हुआ क्षेत्र है, गांव का एरिया है, कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं, और एक चलती हुई रोड है। तो ऐसी बात नहीं है कि कॉलेज वीराना में है जैसा कि कुछ हमने UP के कॉलेज देखे हैं। अब फिर से इस कॉलेज पर आते हैं, 2016 में स्टार्ट हुआ था। शायद एकमात्र नेगेटिव पॉइंट जो मैं इस कॉलेज के बारे में सोच पाया वो यही है कि अभी फिर भी देखिए 3 बैच पास हो चुके, तो मैं तो बात कर रहा हूँ कि कॉलेज इतना अच्छा है कि अगर मैं इसको GMC अमृतसर से कंपेयर करूँ या उस तरह के टॉप कॉलेज से कंपेयर करूँ तो शायद बस यही फ़र्क है कि वो 100 साल पुराने हैं, ये 7 साल पुराना है। बट इसके अलावा जो कॉलेज का इंफ्रा, जो कॉलेज का सीरियसनेस, और सबसे पहले मैं भी सुबह 11 बजे आया, OPD खचाखच भरा हुआ है, कम से कम एमरजेंसी के बाहर 8 एम्बुलेंस खड़ी थी। और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ ना कि कितनी एम्बुलेंस अस्पताल में है इससे पता चलता है कि अस्पताल कितना चल रहा है। एक गेट था हॉस्पिटल का, एक गेट था कॉलेज का, दोनों के बीच में आपस में इंटरकनेक्टिविटी थी। PG भी चल रहा है यहाँ पर, तो PG के सारी क्लिनिकल ब्रांचेस हैं। तो एज ए स्टूडेंट जो बेस्ट से बेस्ट एक्सपोजर आप एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सो सकते हैं वो सब आपको मिल रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो कमी है वो भी यहाँ पूरी हो जाती है, जो मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि सरकारी कॉलेज अच्छे तो होते, सस्ते होते हैं और पेशेंट फ्लो बहुत मिलता है, राइट? लेकिन वहाँ गड़बड़ क्या होती है, इंफ्रा की, कि कुर्सियाँ टूटी हुई हैं, उनको रिप्लेस करने में 5-5 साल लग जाता है जब तक बच्चे की MBBS ख़त्म हो जाती है। उसके मुकाबले दिस गिव्स यू बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड। बट हाँ, 75 लाख का खर्चा भी होगा ना वीज़ा सरकारी कॉलेज, बट 75 लाख के पैकेज में जो ये लोग आपको दे रहे हैं इट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट। और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं इसको इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस में वो बेटर ग्रेड में रखूँगा, हाँ टॉप में नहीं, टॉप में चलो कस्तूरबा और नॉर्थ की हम बात करें तो शेरा मूर्ति बरेली या DMC, पर ये उनसे बहुत दूर नहीं है, थोड़ी सी नीचे रह गया है फिलहाल। इसका जो कैंसर हॉस्पिटल है, मुझे बताया गया मेरे दोस्त के द्वारा कि वो तो पूरे डिस्ट्रिक्ट अमृतसर का नंबर 1 हॉस्पिटल है फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, और लोग यहाँ पर बहुत दूर दूर से आ रहे हैं इलाज कराने, नॉर्मल इलाज भी, और कैंसर का तो जिसे कहते हैं स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गया है। और देखिए, बस फिर से वही सेम गुरु मंत्र, आपको पता है पंजाब क्लोज स्टेट है, और पंजाब में डोमिसाइल 11वीं 12वीं करने वाले को भी मिल जाता है। और जितना हम अभी तक समझ चुके हैं कि अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं और हरियाणा में चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो कोई आपको फ़ायदा नहीं है,
तो अगर आप बाय बर्थ हरियाणवी हैं तो आप 11वीं 12वीं पंजाब से करके पंजाब का डोमिसाइल भी ले सकते हैं, खास अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि इंजीनियरिंग के हैं तो दिल्ली से अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि दिल्ली में आपको DTU, NSUT और IP मिल जाती है। अगर आप प्योर मेडिकल का देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली का कोटा का भी फ़ायदा है कि भाई जो दिल्ली कोटा लग जाता है लेडी हार्डिंग मौलाना आज़ाद के लिए, बट अगर आपका बच्चा 620 ऊपर लाए, 630 के ऊपर लाए तो नहीं, तो अगर 550 की रेंज में, 500 की रेंज में है, सो पंजाब के दो फायदे हैं। तो पंजाब के बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में स्टेट कोटा में सिर्फ 400,000 रुपये साल की फ़ीस है, और अगर आपको पूरी फीस भी देनी पड़ेगी जो मैंने अभी जिक्र करा, तो भी द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट यू कैन गेट इज़ फार बेटर इन द सेम बजट ऑफ 75 लाख रुपीज़। सो इमेजिन कीजिए आप 450 नंबर वाले या 400 नंबर वाले हैं, तो उधर आप हरियाणा में NC या झज्जर जाएँ, जो कि मेरे को कहने में कभी भी गुरेज नहीं होगा, दोनों आपको पता है बिलो एवरेज कॉलेज हैं, उस मुकाबले अगर आपको रामदास में सीट मिले, चलो DMC लुधियाना में बनवा मुश्किल होगा, तो यू आर एट अ फार बेटर पोजिशन, राइट? तो वो भी सोचिए। और यही मैं हमेशा जो एक फार्मूला है MBBS 2026 के कैंडिडेट्स के लिए, तो फिलहाल 10th पास कर रहे हैं, अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं, UP के रहने वाले हैं, क्योंकि आपके पास तो बाय बर्थ डोमिसाइल बेनिफिट मिल जाएगा, बट फिलहाल ये दोनों ही स्टेट आपको फीस में या उसमें कोई बेनिफिट नहीं देते इन प्राइवेट कॉलेज एडमिशन, और सरकारी का तो कोटा आपके पास है ही। लेकिन अगर आप पंजाब या दिल्ली का ले लेते हैं, हिमाचल से अच्छा तो कुछ है ही नहीं, मैं बाबा कहता हूँ हिमाचल का कोटा मिलना आसान नहीं है ना। तो अगर हम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की फ़िलहाल बात कर रहे हैं, तो पंजाब और दिल्ली दोनों बेटर हो जाते हैं, तो हरियाणा और UP के बच्चों के लिए ये एक वो, और जो पंजाब का बच्चा है जिसके पास बाय बर्थ डोमिसाइल है वो दिल्ली का ले सकता है 11वीं 12वीं का, तो उसको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड मिल जाएंगे। जो हरियाणा का है वो से सोचना है कि मैं पंजाब का लूँ या दिल्ली का लूँ, आई थिंक उसके लिए आपको एक गहन चिंतन। और हम मेन रोड पर आ गए, तो जैसा मैंने कहा जो हम अंदर आ रहे थे वो एक 3 किलोमीटर का रास्ता था जो एक मेन रोड से अंदर, और आपको खचाकर ट्रैफिक दिख रहा है, और ये सारी गाड़ियाँ आई थिंक अटारी बॉर्डर जा रही होंगी सर, सिटी, अच्छा ये सिटी का भी रास्ता जाता है हरियाणा, जैसा हमने कहा कि अमृतसर बाईपास हो गया था, ये सिटी में भी घुस जाएगा हरियाणा अमृतसर की, और वैसे ये रोड आगे बॉर्डर भी जाती है, जो लोग देख रहे हैं वाघा बॉर्डर आते हैं, एयरपोर्ट के लिए भी यही रोड है सर ने बताया अभी, तो ये चलती हुई रोड है, तो यहाँ से एयरपोर्ट से भी कॉलेज फिर काफ़ी पास पड़ता है। पर फिर मैंने वही कहा ये वीडियो शायद ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद है जो अमृतसर के रहने वाले हैं, पूरे पंजाब के रहने वाले हैं, क्योंकि पंजाब एक लो स्टेट है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट MBBS एडमिशंस। तो फार्मूला आपको खैर ये है कि जो लोग लंबी प्लानिंग करते हैं और करते ही हैं, मुझे पता है ना जब आप 6ठी क्लास में बच्चे को कोटा भेज देते हो तो आप ये भी प्लानिंग कर सकते हो ना कि 11वीं 12वीं में हम राइट डोमिसाइल ले लें, राइट? तो डोमिसाइल पंजाब का लें या दिल्ली के लें वो आपको सोचना है। पंजाब वालों के लिए ये है कि आप पंजाब के साथ साथ दिल्ली का ले लो, दिल्ली वालों को तो दिल्ली छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपको 11वीं 12वीं दिल्ली से करनी पड़ेगी। हाँ, पर अगर आपको पता है कि मेरा बच्चा 630 नंबर वाली क्वालिटी का कैलिबर का नहीं है, तो 500 नंबर अगर आने वाले हैं तो पंजाब का डोमिसाइल लेना इज़ ए फार बेटर प्रपोजिशन देन दिल्ली का लेना। तो हम तो वो भी गाइडेंस देते ही, आप जानते ही हो कि क्या आपके बच्चे का कैलिबर है टुडे। देखिए बाकी तो जजमेंट है, कल को पता चले हमने पंजाब डोमिसाइल ले लिया और आपके बच्चे की 650 नीटिव आ गया, तो मेरे को ब्लेम मत करना कि सर आप ये कहने भी हमें दिल्ली डोमिसाइल नहीं लिया था, वरना हम लेडी हार्डिंग में जा रहे होते आज या मौलाना आज़ाद में जा रहे होते। बट उन एक्सेप्शन को छोड़ के इट्स ए गुड डोमिसाइल, इट्स ए ग्रेट कॉलेज, लेट मी पुट इट दिस वे, और ये डेफिनेटली इंडिया के टॉप 100 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आएगा ही। गुरु रामदास नॉर्थ की बात करूँ तो ईजिली हम इसे टॉप 25 में डाल सकते हैं, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये वो रोड है जो अल्टीमेटली हमें अब सिटी ले जाएगी। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय। और जैसे मैंने कहा ये वीडियो MBBS 2024 में उनके लिए काम आएगा जो ऑलरेडी पंजाब डोमिसाइल के हैं, और व्हेन दे हैव टू प्रायोरिटाइज देयर चॉइस फिलिंग यू नो आफ्टर सरकारी कॉलेज एंड DMC लुधियाना, आई थिंक चिंतपूर्णी तो वैसे ही बाहर हो गया है। और मैं कोशिश करूँगा अगले कुछ महीनों में कि मैं बाकी दोनों कॉलेज में जाऊँ, PIMS जलंधर और ज्ञान सागर बेगूर, एंड देन आई विल गिव यू जेन्युइन जजमेंट एंड आदेश बठिंडा कि चारों में से कौन सा बेस्ट है। अभी तक मैं लोगों की कहता सुनी सुनी बातों पे चल रहा था, समय नहीं मिला था मुझे, बट मैंने यही सोचा है कि अगले 3 महीने में मैं पंजाब के चारों प्राइवेट कॉलेज में जाऊँगा, जिस तरह मैं यूपी के तकरीबन सारे, हरियाणा के सारों में जा चुका हूँ, राजस्थान के सारों में जा चुका हूँ, एंड देन आई विल टेल यू कि चॉइस फिलिंग में आपका कौन सा ऊपर होना चाहिए। बट डेफिनेटली ये हो सकता है कि वो तीनों से अच्छे निकले, पर ये भी अच्छा है, और वो तीनों अगर से अच्छे निकले दैट मीन्स पंजाब इज़ ए ग्रेट स्टेट फॉर मेडिकल एजुकेशन। बाय बाय, टेक केयर। और आप जानते ही हैं हमसे कंसल्टेशन चाहिए तो 9643
62320, यही नंबर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होगा वीडियो के। एंड मैं बार बार कहता हूँ कि वी डोंट टॉक फ्री ऑफ कॉस्ट, हम कॉलेज से पैसे नहीं लेते हैं, तो आप जो मुझे कंसल्टेशन चार्ज देते हो वही हमारा रेवेन्यू होता है, इसलिए दिल खोल के हमें हमारी फीस दीजिए ताकि हम भी आपके लिए अच्छा काम करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।